हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी का आपके सामने फर्स्ट लेक्चर लाए हैं। तो आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसका प्रारूप तैयार किया गया, प्रथम विधि आयोग द्वारा। भारतीय दंड संख्या का अधिनियम जो है वो 1860 है और इसका सांख्यांक जो है वो 45 है। 1837 में प्रस्तुत किया गया था और 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू हुआ। 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू हुआ और पारित हुआ 6 अक्टूबर 1860 में ये पारित हुआ। अब इसका जो चैप्टर वन है, इसका जो धारा एक कहता है, जितनी भी लॉ है सब में जो सेक्शन वन वही कहता है, संहिता का नाम उसके परिवर्तन का विस्तार, टाइटल एक्सटेंड जो होता है। फिर बात करते हैं धारा दो की। धारा दो क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड संहिता के प्रतिकूल। जैसे इसमें कुछ पॉइंट है कि बच्चों का पोषण ना करने पर धारा 317 के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं। जैसे कार्य तथा कार्यलोप क्या होता है, कार्य तथा कार्यलोप क्या होता है। जैसे किसी रोगी को ऐसी बात बता दिया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, वहाँ पर वह बात बताने वाला व्यक्ति ने वह कार्य किया है, इसको कार्य बोला जाता है। और कार्य का लोप क्या है? जैसे कैदी को खाना ना देना जेलर का कार्य लोप है। मतलब जेलर का ये कर्तव्य कि कैदी को खाना दिया जाए, और अगर वो नहीं करता तो वो उसका कार्य लोप होगा। ठीक, संहिता की प्रभावशीलता का निरपेक्ष प्रभाव, अपराध करने वाला भारतीय हो या विदेशी। फिर रहता है संहिता का प्रभावशील स्थान। यदि कोई भारतीय पाकिस्तान में अपराध करता है जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है, तो उसे उस अपराध के लिए भारत में दंडित किया जाएगा। ठीक, फिर इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल को आईपीसी से मुक्त रखा गया है। 1975 के संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री को भी इस धारा के प्रभाव से मुक्त रखा गया। तो संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल को इंडियन पीनल कोड से मुक्त रखा गया है। जब दोबारा संशोधन हुआ 1975 के संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री को भी इस धारा के प्रभाव से मुक्त रखा गया। अब हम समझते हैं धारा 2 और 5 में परस्पर संबंध क्या है। तो धारा 5 के अनुसार यह विधि भारत सरकार की सेवा में ले गए अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह और अव्यज को दंडित करने वाली विशेष एवं स्थानीय प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात लागू नहीं होगी। किस पर? किस पर? भारत सरकार की सेवा में लगे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह या अभियोजन को दंडित करने वाली विशेष और स्थानीय प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात इन पर आईपीसी लागू नहीं होती। ठीक, अब धारा 3, भारत के बाहर किए गए अपराध किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध। मतलब भारत के बाहर किए गए अपराध हैं लेकिन किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध। धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधी पर संहिता का विस्तार। कहने का मतलब है कि भारत के बाहर भारतीय व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, इसको राज्य क्षेत्रातीत अपराधों की संहिता का विस्तार कहा जाता है। जैसे भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत तथा विमान पर, चाहे वो कहीं भी हो, जो जिस पोत या विमान का रजिस्ट्रीकृत भारत में हुआ है और अगर वो भारत से कहीं और पर भी हो, यदि कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है और अपराधी भारत में पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को जहां उसने अपराध किया है उसे उस देश के विचारण हेतु भेजा जा सकता है। इसे प्रत्यर्पण भी करते हैं। प्रत्यर्पण की संधि यही होती है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति जो पोत या विमान से भारत के बाहर जाता है और कोई अपराध करता है, तो उसे प्रत्यर्पण के लिए उस कंट्री में भेजा जा सकता है। अब क्षेत्रातीत अधिकारिता क्या है? कि भूमि पर, बीच समुद्र में, वायुयान में। भूमि पर, बीच समुद्र में या वायुयान में, ये क्षेत्रातीत अधिकार है। अब आता है धारा 3 और 4। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 188 के अंतर्गत भारतीय न्यायालय भारत से बाहर किए गए अपराधों की जांच या विचारण की अधिकारिता प्रदान है। इसके लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक है।
अपराध के लिए अभियोजन चलाए जाने हेतु समय सीमा क्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 की धारा 467 से 473 में विभिन्न प्रकार के अपराध को संज्ञान लिए जाने हेतु निश्चित सीमा निर्धारित है। समय सीमा के बीच जाने पर वह अपराध संज्ञान में नहीं लिया जा सकेगा, अर्थात जो अपराध किया गया है उसकी एक निश्चित समय सीमा है, अगर वो समय सीमा के भीतर भीतर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। फिर आता है धारा 5, सरकार की सेवा में अफसर, नौसैनिक, वायुसैनिक आईपीसी की धारा को प्रभाव नहीं डालेगी, जो कि मैंने आपको डिस्कशन किया। अब इसमें पॉइंट आता है कि विशेष व स्थानीय विधि क्या होती है, तो धारा 41 और 42 में परिभाषित है विशेष और स्थानीय विधि। अपवाद क्या है, यदि किसी विशिष्ट विधि से दंडित किए जाने का प्रावधान है जिसे 511 के अधीन दंडित किया जाएगा, मतलब कुछ ऐसा भी अपराध है जिसको धारा 511 के अधीन ही दंडित किया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं अध्याय तो धारा 652 का। अब ये धारा 6 क्या कहता है कि संहिता में की परिभाषा का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। इसका मतलब क्या है कि 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इस धारा को इंडियन एविडेंस की धारा 105 के प्रयोजन में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का अभाव। एक बार स्पष्टीकृत पद का अभाव क्या, यदि किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया हो तो उसका अर्थ वही होगा जो प्रथम बार है, ये धारा 7 कहती है। धारा 8 में क्या है, लिंग, स्त्री व पुरुष को पुल्लिंगवाचक माना जाएगा, स्त्री व पुरुष को पुल्लिंगवाचक माना जाएगा। धारा 9 में क्या आता है, वचन, वचन बहुवचन में एक वचन शामिल होगा। धारा 10 किसकी बात करता है, पुरुष मानव नर का घोतक है और स्त्री मानव नारी का घोतक है। इसमें एक चीज क्या है, 7.5 माह की बालिका के साथ किया गया अभद्र व्यवहार अपराध माना जाएगा जिसे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 354 के तहत दंडित किया गया। फिर बात करते हैं धारा 11 क्या है, व्यक्ति, इसमें कंपनी या सगम निगमित हो अथवा नहीं व्यक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे इसका एक वो है कि 301 का अजन्मे शिशु को भी व्यक्ति माना जाता है, अजन्मे शिशु को भी व्यक्ति माना गया है, ये धारा 11 कहती है। फिर धारा 12 क्या है, लोक, लोक का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत वर्ग या कोई भी समुदाय आता है लोग। धारा 14 सरकार का सेवक, मतलब जो सरकारी नौकर होता है, पब्लिक सर्वेंट। धारा 17 में सरकार आती है, सरकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों आती है। फिर आता है धारा 18 भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 19 अब न्यायाधीश जो विधिक कार्यवाही में, जैसे कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, धारा 19। धारा 20 न्यायालय, ठीक। फिर धारा 21 लोकसेवक, लोकसेवक कौन होते हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, न्यायाधीश, न्यायालय का सभी ऑफिसर, जूरी मेंबर, पंचायत का सदस्य, मध्यस्थ और रिटायर्ड जज, पुलिस सरकार की तरफ से काम करने वाला हर एक वो व्यक्ति, उसको लोकसेवक बोला जाता है। अब इसमें धारा 22 कहती है जगम संपत्ति, मूर्त संपत्ति, भूमि अर्थात स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, वे नहीं आते, परंतु भूमि से अगर रेत, सीमेंट, बालू अलग कर दी जाए तो वह जगम संपत्ति मानी जाती है। ये धारा 22 आता है जिसको जगम संपत्ति बोला जाता है। अब आता है धारा 23 सदोष अभिलाप, रॉन्गफुल, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप जिसका वैध रूप से हकदार, अभिलाप करने वाला व्यक्ति हकदार ना हो, मतलब विधि विरुद्ध साधनों से अगर कुछ व्यक्ति, कुछ साधनों से अगर किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं जिसके हकदार वह स्वयं नहीं है, उसका हकदार कोई और व्यक्ति है, तो उसको सदोष अभिलाप यानी कि रॉन्गफुल बोला जाता है। ठीक,
अब आता है सदोष हानि। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति। सदोष हानि का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जिसका विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कब्जा कर लिया गया और उस पर होने वाली हानि जो होगी वो उस व्यक्ति की होगी जो उसका असल में मालिक होगा। इसको सदोष हानि बोला जाता है। वैध रूप से ली गई संपत्ति का अवैध रूप से अपने पास रखना सदोष अभिलाभ माना जाता है। वैध रूप से ली गई संपत्ति का अवैध रूप से अपने पास रखना सदोष अभिलाभ माना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कोई मकान किराए पर दिया लीगल तरीके से, लेकिन वह उसको इलीगल तरीके से अपने पास ही रखना चाहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको सदोष अभिलाभ माना जाता है। अब बता है धारा 24 बेईमानी से। तो जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ तथा दूसरे को सदोष हानि हो, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। जब कोई इस इंटेंशन से कोई ऐसा काम करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ तथा दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हो, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। ये बेईमानी की परिभाषा है। धारा 25 कपटपूर्वक। यदि कोई कृत धोखा देने के आशय से किया गया है तो उसे कपटपूर्वक माना जाएगा। धोखा देने का आशय उसकी क्षति किसी भी प्रकार से हो सकती है, मानसिक प्रतिष्ठा द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, बेईमानी से और कपटपूर्वक में दोनों में अंतर है। कपटपूर्वक में क्या है, यदि कोई कृत धोखा देने के इंटेंशन से किया जाता है तो उसको कपटपूर्वक बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है, एक है कि जाली प्रमाण पत्र का प्रयोग करके परीक्षा में प्रवेश लेना कपटपूर्वक कार्य है जिसमें आईपीसी की धारा 471 से सिद्ध दोष किया जा सके। फिर आता है धारा 26 विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है अथवा नहीं, किसी व्यक्ति को किसी की बात पर विश्वास नहीं का समुचित आधार हो भी सकता है अन्यथा नहीं। मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई बात बताता है तो ये डिपेंड करता है कि वह उसकी उस बात का विश्वास रख भी सकता है अन्यथा नहीं, ये डिपेंड करता है उसके विवेक के अनुसार। ठीक। फिर आता है धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। पत्नी लिपिक किसी भी पद पर नियुक्त है। यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की पत्नी लिपिक अथवा सेवक के कब्जे में है तो वह उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। फिर इसमें आती है धारा 28 जिसको कूटकरण बोला जाता है। अब कूटकरण का मतलब है कोई डुप्लीकेट काम करना, कोई डुप्लीकेट काम करने के उपकरण को लाना देना। तो कूटकरण मतलब जैसे जाली सिक्के बनाना, करेंसी नोट, स्टाम्प आदि संबंधित अपराध हैं। यह तभी माना जाएगा जब कोई व्यक्ति असली व नकली की पहचान न कर पाए और वह कूटकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आता है धारा 29 दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट। इसी में धारा 29 का है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। ये आईटी एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ना में है। 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। फिर आता है धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूत। मूल्यवान प्रतिभूत का मतलब होता है दस्तावेज, इंपॉर्टेंट दस्तावेज। ऐसा दस्तावेज जिसमें विधिक अधिकार का सृजन विस्तार अंतरण होता है। ऐसा दस्तावेज जिसे साक्ष्य के रूप में पेश किया जाए भले ही वो इनवैलिड हो, लेकिन किसी अचल संपत्ति में अधिकार का सृजन होता है या सृजन तात्पर्य है, दस्तावेज के आधार पर डिक्री की पारित नहीं की जा सकती, जिसको मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज बोला जाता है धारा 30। ये इंपॉर्टेंट है और प्री के पेपर में पूछा गया है। फिर आता है धारा 31 विल। विल मतलब वसीयत या इच्छा पत्र। ठीक है। और वसीयत में हेराफेरी, जालसाजी के लिए दंड संहिता 466 467 में दंड की व्यवस्था। फिर आता है 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप होता है। ऐसा कार्य जिसे विधि के द्वारा उपेक्षित है परंतु अभियोजन के द्वारा नहीं किया जाता, मतलब विधि के द्वारा माना जाता है लेकिन अभियोजन द्वारा नहीं माना जाता, ये धारा 32। जैसे पुलिस का सिपाही किसी व्यक्ति से सच्चाई निकलवाने के लिए यातना कर रहा है या उसके पास में खड़ा एक और सिपाही देख रहा है,
यहाँ पर प्रथम सिपाही यातना के लिए दोषी ठहराया जाता है तथा दूसरा सिपाही अपने साथी को उस कार को रोकने के विधिक कर्तव्य के लोप के लिए दोषी माना जाता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति से सच्चाई उगलवाने के लिए अगर उस पर यातना कर रहा है और उसके साथी मतलब उस पुलिस अधिकारी के जो साथी वो वहाँ पास में खड़े हैं और वह उसको नहीं रोक रहे हैं तो दोनों दोषी माने जाएंगे। फिर आता है कार्य लोग, तो कार्य एक से अधिक हो सकते हैं। एक व्यक्ति को इसका एग्जांपल जैसे समझे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 10 तमाचे जड़े तो उसे 10 तमाचे के लिए अलग अलग दंडित नहीं किया जा सकता, मतलब तमाचा जड़ा है इसलिए उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 10 तमाचे मारे चाहे 50 लाठी मारी, दंडित उसको एक ही के लिए किया जाएगा। ये नहीं कि उसने 10 तमाचे या 10 लाठी मारे तो उसको 10 बार दंडित किया जाएगा। फिर आता है धारा 34, सबसे कन्फ्यूजिंग और सबसे बहुत इसमें डाउट होता है। तो धारा 34 को शांति से समझिए कि समान आशय को अग्रसर कराने में कोई व्यक्ति द्वारा किया गया का। कहने का मतलब है कि यदि कोई अपराध कुछ लोग मिलकर करते हैं, ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि वह अपराध उस अकेले ने ही किया है, मतलब उस ग्रुप को एक इंसान मान के जाता है। और अगर उस क्रम में मृत्यु हो जाती है तो 302 और 34 पर कार्रवाई होती है। फिर आता है धारा 35, सामान्य आशय से मतलब सेम इंटेंशन से किया गया अपराध उस अपराध को करित करने में विशेष ज्ञान तथा आशय का होना पाया जाए, मतलब कोई अपराध करना मतलब सेम इंटेंशन से अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध को करित करने में विशेष ज्ञान तथा आशय का होना पाया जाए, मतलब इंटेंशन भी होनी चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए तब वो पूरी तरह से अपराध करित माना जाता है। अब आता है धारा 36, जहाँ कोई कार्य किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम को किया जाना है या प्रयत्न करने का भी अपराध है, अस्तः कार्य द्वारा और अस्तः लोभ द्वारा करित परिणाम, जहाँ कोई कार्य किसी लोभ द्वारा लालच द्वारा किसी परिणाम को किया जाता है या प्रयत्न करना या उसका प्रयत्न करना भी एक तरह का अपराध माना जाता है। फिर आता है धारा 37, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में किसी एक को करके सहयोग देना। अब कोई अपराध गठित करना है और उसमें कई लोग भागीदारी हैं तो अगर वो सहयोग करते हैं तो वो धारा 37 के तहत। धारा 38, आपराधिक कार्य में शामिल व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे, मतलब किसी आपराधिक कार्य में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे वो विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे, ठीक। अब देखते हैं धारा 39, धारा 39 क्या है, स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति अपराध को आसान बनाने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की मृत्यु हो जाए और वह यह जानता था कि मृत्यु हो जाएगी तो वह कार्य स्वेच्छा से हुआ, ठीक है। ये धारा 39 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध को आसान बनाने के लिए ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए और वह यह जानता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वह कार्य किससे हुआ है, स्वेच्छा से हुआ है। धारा 40 अपराध है। धारा 41 विशेष विधि, विशेष विधि में अफीम विधि, अफीम अधिनियम 1878 और सीमा शुल्क 1992। धारा 42 स्थानीय विधि, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। धारा 43 में क्या है, अवैध अपराध विधि द्वारा दीवानीवाद दायर करने के लिए पर्याप्त आधार। धारा 43 अवैध इनवैलिड बुक बोला जाता है। धारा 44 क्षति के बारे में बताती है, नुकसान के बारे में। धारा 46 मृत्यु के बारे में बताती है। धारा 45 जीवन के बारे में बताती है। धारा 47 जीव जंतु के बारे में बताती है। धारा 48 जलयान के बारे में बताती है। धारा 49 वर्ष मास मतलब महीने और कैलेंडर के बारे में बताती है। धारा 50 जो है वो धारा के बारे में बताती है। धारा 51 शपथ के बारे में बताती है। और धारा 52 सद्भावपूर्वक और 52 का संशय आशंका, ये ध्यान रखिएगा सद्भावपूर्वक। धारा 52 में है और 52 के काम है संशय, तो कि इसमें मैंने पॉइंट लगाया ये इंपॉर्टेंट है और एपीओ के पेपर में पूछा भी गया था कि सद्भावपूर्वक किस सेक्शन में, तो धारा 52 में। अब आता है अध्याय 3 दंडों के विषय में, तो धारा 53 दंड को एक्सप्लेन करती है। दंड क्या हो सकता है, मृत्यु, आजीवन कारावास में सादा और कठोर दोनों हो सकता है,
दंड में संपत्ति का संहरण हो सकता है, दंड में जुर्माना भी हो सकता है, ये चीजें दंड में आती हैं। फिर आता है धारा 53 का उपधारा 1 व 2 में निष्कासन को हटाकर आजीवन कारावास प्रस्तावित किया जाए। धारा 53 का कहता है। धारा 54 मृत्युदंड का लघुकरण, लघुकरण मतलब मृत्युदंड को हटाकर किसी और दंड में परिवर्तित कर देना, यह अधिकार समुचित सरकार को प्राप्त है और राष्ट्रपति व राज्यपाल को, राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड को घटा सकता है और किसी दंड में परिवर्तित कर सकता है। फिर आता है धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण। जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी के सम्मति के बिना उस दंड को एक ऐसी अवधि जो 14 वर्ष से अधिक ना हो लघुकृत कर सके। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे उसकी सम्मति के बिना, उसकी इजाजत नहीं लेगा, उसकी सम्मति के बिना उस सजा को 14 वर्ष से अधिक न हो उतना कर सकती है। फिर धारा 55 का समुचित सरकार, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों आती हैं। केंद्र में संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है और राज्य में राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार। धारा 56 रिपील कर दिया गया। धारा 57 दंडाविधियों की भिन्न, मतलब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य समझना या पूरा जीवन। 58 और 59 को रिपील। धारा 60 कारावास कठिन व सादा हो सकेगा या कुछ भाग कठिन शेष सादा हो सकेगा। धारा 61 को हटा दिया गया। धारा 62 को रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। अब बात करते हैं धारा 63 जुर्माने की रकम। परिस्थितियों तथा अभियुक्त के जीवन स्तर या आर्थिक स्तर के अनुसार जुर्माने की रकम तय की जाती है। ये नहीं कि गरीब आदमी और उस पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश, 64 ये कहता है। धारा 65 कारावास और जुर्माना दोनों देने पर, तब जुर्माना न देने पर कारावास, जैसे किसी व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दोनों दिया गया लेकिन उसने जुर्माना नहीं दिया, तब कारावास की अवधि कितनी होती है, वो कारावास की 1/4 कर दी, मतलब 1/4 कर दी जाती है, ध्यान रखिएगा। धारा 66 जुर्माना ना देने पर किस प्रकार का कारावास हो सकता है, सादा कारावास हो सकता है। धारा 67 जुर्माना ना देने पर कारावास परंतु अपराध केवल जुर्माने से दंड, जैसे अगर कोई अपराध है जिसको जुर्माना देने पर कारावास है परंतु अपराध केवल जुर्माने से दंड नहीं है, तो अगर जैसे 50 रुपये जुर्माना लगा तो 2 महीने तक की जेल हो सकती है और 100 रुपये जुर्माना लगा तो 4 महीने या अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास हो जाना। धारा 69 जुर्माने की राशि के कुछ भाग का देने पर कारावास की सीमा, अगर जैसे किसी व्यक्ति पर कुछ जुर्माना लिया गया और उसने उसकी कुछ राशि चुकाई है, जो बची हुई राशि है उस पर कारावास की अवधि क्या होगी, कारावास की सीमा क्या होगी। धारा 70 जुर्माने को 6 महीने के भीतर या कारावास के दौरान संपत्ति के दर्द को उन्मुक्त नहीं करती, धारा 70 ये कहती। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जैसे एग्जांपल है कि का या को लाठी से 50 बार मारता है जिसमें संपूर्ण मारपीट है, तो उसे सजा संपूर्ण मारपीट के लिए मिलेगी, ना कि 50 लाठी के लिए जो उसने बार बार मारा, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये धारा 71। फिर आता है धारा 72 कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड। धारा 73 एकांत परिरोध बोला जाता है, एकांत परिरोध कठोर कारावास से दंडनीय अपराध है। धारा 74 इसमें सजा जो है वो मैक्सिमम 3 महीने की है, यदि 6 महीने का कारावास है तो अधिकतम 1 माह से अधिक नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, एकांत परिरोध की अवधि जो है। धारा 75 में अध्याय 12 सिक्कों व सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध है और अध्याय 17 संपत्ति से संबंधित अपराध है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको धारा 75 तक समझ में आया होगा। धारा 76 से लेकर 106 तक का वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब 106 के बाद अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।